वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो फ्यूचर रिटेल स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे नो चार्ट्स अवेलेबल है, यानी कि आज भी ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ट्रेडिंग को बैन किया गया है, फ्रेश बाइंग अनअवेलेबल है रिसेंटली देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल स्टॉक के अंदर। क्योंकि देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से फ्यूचर रिटेल में ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, सिर्फ मंडे के दिन यहाँ पे लो सर्किट लगता है, फिर उसके बाद किसी को अपनी पोजिशन क्लियर करने को चांस नहीं मिलता है और ट्रेडिंग पे बैन डाला जाता है सेबी की तरफ से, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक तरफ से जो कोड है उनके तरफ से। तो रिसेंटली देखा जाए तो मार्केट क्या है यहाँ पे 211 करोड़ पे आके रुके। तो लेटेस्ट कोई न्यूज है क्या उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते कि हाई कोर्ट अपॉइंट्स कोर्ट रिसीवर फॉर फ्यूचर एसोसिएट कंपनीज मॉल, मीन्स तकरीबन ट्रेडिंग को बैन किया है क्या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट की तरफ से। उसी की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई जो कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन है, डेब्ट है और कंपनी लॉस में जा रही है काफी सालों से, तो भी प्रॉब्लम एक हो सकता है जिसके कारण ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के तरफ से। तो देख सकते हैं सेकंड न्यूज जो सलमान खान लीजेस कमर्शियल स्पेस इन मुंबई टू फ्यूचर रिटेल, 3 वीक्स एगो की न्यूज है। रिसेंटली कोई खास न्यूज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है ऐसे फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए। तो ये खास न्यूज है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली हाई कोर्ट अपॉइंट्स कोर्ट रिसीवर टू फ्यूचर एसोसिएट कंपनी मॉल। और यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे फ्यूचर रिटेल के, तो कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी फ्यूचर रिटेल में। क्योंकि देख सकते कि मंडे के दिन ट्रेडिंग होती है, देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे लास्ट 13 सितंबर की हुई ट्रेडिंग, फिर 14 फेब की हो गई, फिर 19 सितंबर, फिर 26 सितंबर और फिर बैन जा रहा है। तो देख सकते बीच बीच के डेज में यहाँ पे बैन जा रहा है, ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए।